बांस ग्रामीण नीही कुल की एक अत्यंत उपयोगी घास है। बांस एक सामूहिक शब्द है जिसमें कई जातियां सम्मिलित हैं। मुख्य जातियां बैम्ब्यूसा डेंड्रोकैलेमस आदि हैं। बांस का वैज्ञानिक वर्गीकरण इस प्रकार है, जगत पादप विभाग पुष्पी पादप, वर्ग एक बीजपत्री, गण पोआलेज, कुल पोएसी। बांस की लगभग 92 वंश हैं और 5,000 जातियां हैं। बांस एक सपुष्पक आवृत बीजी एक बीजपत्री पादप है। दूब, गेहूं, मक्का, जौ और धान भी बांस के परिवार के ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं। बांस पृथ्वी पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है। बांस की कुछ प्रजातियां एक दिन में 1 मीटर तक बढ़ जाती हैं। बांस का तना लंबा पर्वसंधि युक्त प्राय खोखला तथा शाखान्वित होता है और बांस का सबसे उपयोगी भाग भी होता है। बांस के तने पर पर्व तथा पर्व संध्या होती हैं जो ठोस एवं खोखली होती हैं। बांस के पत्तियों के शीर्ष भाग नुकीले होते हैं। यह पौधा जीवन काल में केवल एक बार फल धारण करता है। बांस का फूल छोटा और रंगहीन होता है। बांस उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी एशिया में पाया जाता है। चीन में बांस की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। बांस के 100 ग्राम बीज में 60.36 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 265.6 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। बांस की खेती कर कोई भी व्यक्ति लखपति बन सकता है। बांस खेत में लगने से 5 साल में उपज देने लगता है। बांस के कारण किसानों को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है क्योंकि यह अन्य फसलों पर कीट एवं सूखे के प्रकोप डालता है। बांस एक ऐसा पौधा है जिस पर सूखे एवं वर्षा की अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पानी में कई दिनों तक खराब नहीं होता। बांस अन्य पौधों की अपेक्षा 30% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। बांस पीपल के पेड़ की तरह दिन में कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व अर्थव्यवस्था में बांस का योगदान 12 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारत में बांस के जंगलों की कुल क्षेत्रफल 11.4 मिलियन हेक्टेयर है जिनसे वार्षिक उत्पादन करीब 1.35 करोड़ टन है। बांस को लगभग 2000 तरह से उपयोग किया जा सकता है। बांस का जीवन 1 से 50 वर्ष तक होता है जब तक कि फूल नहीं खिलते। बांस घर, कागज, साज सज्जा के सामान, ईंधन आदि के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये थी बांस के विषय में कुछ रोचक जानकारियाँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।